हागतनि साखाम रोखा कं तुनि रोखा कं जतन सायस्राइके सिजा आबहाय सिक्रों सुवार गनां केन्द्रनि तुनि रोखा कंते रुंनि राष्ट्रमंत्री मनसुख मांडविया सिकांनि साजा खायखेनो जासालनि फुंगा हास्तेव फायखा तै फुंगो मंत्री अग्र विप्लव कुमार देवबाय मालाय लायखा आबनि यागुल बिजेपिनि कृष्णनगरनि तांनको रिंजा ककतुमा थुनाय रुंनि कग्लाम बान्दाव हास्तेव तुनि रोखा कंनो तुये केन्द्र चुबानाय हिनि खातुंजांनाय कक सावै खोनारिखा दाखलाय बिसेवन हाखतरबाय बाक्सा तुयतै तिरप्राबाय मानजुवै माननाय हिनि साखा केन्द्र मंत्री मनसुख मांडविया नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है उस दिशा में हमने काम चालू किया है वो ये है जमुना रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं और उसकी कनेक्टिविटी एक ट्रिब्यूटरी के माध्यम से सोनामुरा में भी होती है रिवर का नाम क्या है गोमती रिवर एक गोमती रिवर पर आज के दिन में हमने एक छोटा फ्लोटिंग जेटी बनाई है वहां टर्मिनल बनाना है इस साल ही अगले दिनों में मुझे शिलान्यास करना है इस बजट में हमने उसकी व्यवस्था की सोनामुरा से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से गोमती रिवर को जमुना रिवर में मिले जमुना रिवर के माध्यम से हल्दिया हल्दिया से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से 1400 किलोमीटर बनारस मींस आपके त्रिपुरा में आपका पाइनएपल फ्रूट सारे देश में आज पॉपुलर हो रहा है उस सारे शेष भारत में यहां से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से उपलब्ध हो आपके यहां रोड कनेक्टिविटी है रेल कनेक्टिविटी है एयर कनेक्टिविटी है अगले दिनों में वाटरवेज कनेक्टिविटी अगले दिनों में मींस ये ही साल में ये बजट के में हमने प्रावधान किया है इस साल में हम ये भी वाटरवेज कनेक्टिविटी भी हम सुनिश्चित कर देंगे जिसके माध्यम से सोनामुरा से हम शेष भारत के साथ वाटरवेज के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे ते आत्मनिर्भर भारत ने कक मांगन तुय बी वानसुख माते कक तुमा थुमने रग्न सही खेनारिका केंद्र मंत्री मनसुख मांडविया देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े देश में एक्सपोर्ट बढ़े देश में इम्पोर्ट कम हो हमारी जरूरियात देश में ही प्रोडक्ट हो उससे तीन फायदा होगा देश में रोजगारी का भी निर्माण होगा देश में इंडिजिनियस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा देश के स्किल मैन पावर को काम मिलेगा देश के स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिलेगी देश में इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और देश का पैसा देश में ही रहेंगे इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 200 करोड़ तक का कोई भी ग्लोबल टेंडर भारत सरकार नहीं निकालेगी वो इंडिया में से ही उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा उसका फायदा यह होगा कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाना है कोविड वैक्सीन इंडिया में ही निर्माण हुआ और देश में आज फ्रंटलाइनर लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है आज के दिन में शायद 1 करोड़ के नीरस्ट लोगों को लग चुका है छाताई खेलायो जत बखाते त्रिपुरान केन्द्र हाफां चुबाना हिनी सका केन्द्र मंत्री मनसुख मांडविया ककतमा थुमनाय रगबाय कग्लाम बान्दा खलायमानि यागुल सिगांगो साजाग तांबोतांगो मानजागै खाब ककति सालो केन्द्र मंत्री मनसुख मांडविया दिल्लीव किफली थांफिनाय ब्युरो रिपोर्ट न्यूज भेनगार्ड